उस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करती है और किसी दूसरी पार्टी को चुनती है, तब जनता के फैसले के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से वो षड्यंत्र शुरू होता है और उस षड्यंत्र का नाम है ऑपरेशन लोटस। ये ऑपरेशन लोटस हमने मध्य प्रदेश में देखा, जहां कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जनता को धोखा दिया। जनता की चुनी हुई सरकार को गोवा में गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई, ऑपरेशन लोटस द्वारा जनता को धोखा दिया। कर्नाटक के अंदर जेडीएस और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया, ऑपरेशन लोटस सीधा केंद्रीय भाजपा ऑफिस से चलाया गया, जनता की उम्मीद के खिलाफ जनता को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यह किया, हम सब ने देखा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के शिवराज सिंह चौहान को दोबारा बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ एक ऑपरेशन लोटस का कार्यक्रम शुरू किया। एक दिन के अंदर 6 मुकदमे अजीत पवार साहब के साथ जो दर्ज थे वो हटाए गए, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, भारतीय जनता पार्टी लगी रही और अंततः पिछले महीने शिवसेना को तोड़ के जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया गया। जनता सरकारें चुनती है और भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिराती है। दिल्ली में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला के दिल्ली की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की। यह उनकी मोडस ऑपरेंडी है, यह उनकी कार्यशैली है। सबसे पहले पार्टी के अंदर नंबर 2 के नेता को अंकित किया गया कि मनीष सिसोदिया पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, इनको टारगेट किया जाएगा। उनके खिलाफ स्कूलों के कमरों को बनाने की गड़बड़ी के अंदर एक बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, उसमें कुछ नहीं निकला, भारतीय जनता पार्टी हताश हुई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी के अंदर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके खिलाफ कई महीनों से कैंपेन चलाया गया। कैंपेन चलाने के बाद सीबीआई की जांच की धमकी दी गई, सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई, सीबीआई ने 31 जगह छापे मारे, 14 घंटे मनीष जी के यहां 30 सीबीआई के अफसर रहे, उनका चप्पा चप्पा छाना, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिला, ना सोना मिला, ना कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिले। और उसके बाद इतना दबाव बनाने के बाद मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी है। कुल मिला के ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर दूसरी बार हमने फेल किया। पहली बार कब फेल किया वो भी बताएंगे और दूसरी बार आज हमने भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।